बोल लेकिन हम पाकिस्तानी हैं हमने ये पाकिस्तान कुर्बानियां दे हासिल किया कोई तो मायका लाल ना हमारी फौज को शिकार दे सकता है और ना हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा सकता है जिन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क और कहूँ तो नून लीग के दोस्त मुल्क को जो मौका दिया छोटू गैंग का बदमाश पकड़ना होते शबाज शरीफ के पास ताकत नहीं है छोटू गैंग के लिए भी आर्मी को बुलाओ असल नाजरीन इस वक्त आप लोग देख रहे हैं नाइन न्यूज़ इस वक्त नाजरीन हम इस वक्त खड़े हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर यहाँ पर मुहब वतन जो पाकिस्तानी है वो मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम मैम अस्सलाम जी मैम आप क्या कहेंगे जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दुश्मन नासर को फरोख़ दिया जा रहा है इस हवाले से आप क्या कहेंगे मैं तो ये समझती हूँ कि ये ना मुल्क अपने मुल्क पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मनी है और सबसे बड़ी गद्दारी है जो ये लोग कर रहे हैं नून लीग वाले और इस तरह से असम्बली के फ्लोर पर खड़े हो के बात करना और जो कि पूरी दुनिया में ये बात सुनी जाती है और देखी जाती है और जिसकी वजह से आप जानते हैं कि इंडिया में कितने डंके बजे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि ये इतनी गलत बात है और इस इस ट्रेजन की वजह से ये अया सादिक जो है जो एक्चुअली एक गद्दार है आदमी उससे उसकी रुकनीत ख़त्म करनी चाहिए और ये अब अब इस वक्त ये डिमांड हम लोग ये कर रहे हैं कि हमें पाक आर्मी के ऑनर में ना एक लेजिस्लेशन करनी चाहिए एक लॉ बनाना चाहिए कि जो भी पाक आर्मी को मलाइन करने की कोशिश करे उसको एटलीस्ट तीन साल के लिए जेल में डाल दें ऐसा पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं होता कि आप अपने इतने प्रेस्टिजियस अदारे जिस पर आपका दारोमदार है जिस पे आप जिस पे आपकी मुल्क की सलामती का इसार है जिस पे जिस पे आप लोगों को फख्र करना चाहिए उसके ख़िलाफ़ आप बात करते हैं और ये कि टांगे काप्री और पसीना आ गया और ये हो गया चीफ ऑफ आर्मिस्टर का दिस इज़ डिसगस्टिंग और ये अयाज साधे कि एक इतना नॉनसेंस आदमी है कि इसको ये नहीं पता कि इतनी बड़ी पोस्ट पर यह रहा है स्पीकर कौमी असम्बली रहा है इसको ये नहीं पता कि इस तरह से अगर कोई ऐसी बात हुई कि जी इंडिया हमला करेगा या बटेवर तो असेंबली के फ्लोर पे खड़ा हो कि इस तरह के ऊपर बात की है, पाक आर्मी के बात की आप इस वाले से क्या कहेंगे मैम देखें ये टोटल एक गद्दार है ट्रेटर है और उसके साथ हमें आड़ आड़े हाथों निमटना चाहिए इसकी मजाल कैसी हुई कि ये हमारी फ़ौज के बारे में इतने अल्फाज इस्तेमाल करे और वो नहीं उसके पुछे पीछे पूरा एजेंडा है पूरी नून लीग है अब डॉन लीग से उठा के देख लें और उससे पहले भी क्यों नवाज शरीफ के हमेशा हर आर्मी चीफ़ के साथ लड़ाई होती है इस वजह से कि उससे ये एक हमारे मुल्क का मस्तकम इदारा है जो इन पर थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस रखते थे जिसकी वजह से इसको ये मंजूर नहीं था कि ये इदारा क्यों काम कर रहे हैं। और इन्होंने मुल्क को लूटा मुल्क के अवाम को गरीब किया हमारे मुल्क को कंगला किया अंदर से खोखला किया और अब जब इनका बस जब इनकी चोरी सारी पूरी तरह बाहर आ गई है अब ये चाहते हैं कि इन, इन इन ये किस तरीके से उसको छुपाएं तो इन्होंने मुल्क को ही तोड़ने का मंसूबा बना लिया खुदा न खास्ता औ, और ये मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं हमारे बच्चों और हमारी नस्लों ने इधर ही रहना है और अगर हमारे मुल्क की आर्मी कमजोर हो गई खुदा न डीमोरलाइज हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है एक आर्मी ऐसा इदारा है जिसने इस मुल्क को अभी तक बरकरार रखा हुआ है इसकी साख बहाल की हुई है आपके सैलाब हों आपके जल्जले हों आपके हर मुश्किल और मुसीबत में आ, पाक आर्मी और उसके जवानी खड़े रहते हैं ये लोग कहाँ हैं इनकी नस्लें कहाँ हैं इनकी जायदादें कहाँ हैं इनके पोते पोतियाँ नवासे कहाँ हैं नवाज शरीफ के सारे बाहर हैं बा, इनकी जायदादें कहाँ हैं बाहर हैं इनका तो पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं ये एक गरीब और एक कमज़ोर मुल्क इनकी हुक्मरानी के लिए है इससे ज़्यादा इनका यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो वैसे ही बाहर इतनी बड़ी बड़ी अंपायर खड़ी कर चुके हैं अरबों खरबों डॉलर की। उनको क्या है पाकिस्तान रहे या टूटे या तबाह हो या बर्बाद हो तो कभी के बारे में और कितना घटिया इसने बयान दिया टांगती थी और ये वो ये चाहते क्या हैं इनके पीछे इनका माइंड सेट क्या है वो देखने की जरूरत है वो उसको बाहर लाने की जरूरत है और इनको ऐसी सजाएं दें कि आगे किसी की जरूरत ना हो हमारी आर्मी और हमारे इदारों पर बात करें

नुकसान पहुंचा सकता है हम रात सुकून से सोते हैं फौज सरहदों पर हिफाजत करती है हमारे पैलेट का आपने नहीं देखा उसका क्या असर किया हमने फिर जहाज पर जब वो नीचे उतरा वो गिरा मरने वाला हो गया उसकी मरम पट्टी की फिर उसे चाय पिलाई फिर उसे खाना खिलाया फिर बॉर्डर पे छोड़ने इस्तेमाल करते हुए छोड़ के आए हम वो है तुम जो मर्जी याद सादे कर लो

बयान दिया इस हवाले से आप क्या कहेंगी जी मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये खान साहब की दुश्मनी में और मियाँ नवाज शरीफ की गुलामी में इस हद से आगे निकल गए हैं कि ना तो इन्होंने अवाम का ख्याल किया ना पाकिस्तान के किसी अदारे का ख्याल किया आज इन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क और कहूँ तो नून लीग के दोस्त मुल्क को जो मौका दिया हुआ है जिस तरह मीडिया उनकी ये बातें उठा के जाकर वहाँ कर रहा है ये तो मैं नहीं समझती कि यह हमारी नाकामिया ये इस टाइम मियाँ नवाज शरीफ की कला सबसे बड़ी नाकामी है कि उसके गुलाम अपने ही कंट्री पे इकतदार की खातर उंगलियां उठा रहे हैं अपने कंट्री को तो ये बेच देंगे अगर इन्हें इकतदार ना मिली तो मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और या सदक से तमाम अख्तियार छीने जाएं और इसको संभली से निकाल दिया जाए और आइंदा इसे किसी इलेक्शन में आने का मौका ना दें आप सोच सकते हैं कि इतना दलैर इतना बहादुर आर्मी चीफ़ जो है उसकी टांगे काम सकती हैं या उसके सर पर पसीना आ सकता है मतलब पूरी फौज को

के अयाज़ सादिक और उस जैसे बहुत से लोग अभी खुलकर सामने आएंगे मैं आर्मी चीफ से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहती हूँ इल्तमास करती हूँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दी जाए सर आप क्या कहेंगे जो एजाज सदक ने बयान दिया इस हवाले से आप क्या कहेंगे अयाज़ साद का जो ये बयानिया है मैं समझता हूँ कि ये बयानिया एक इंडिविजुअल का नहीं है एक फ़र्द वाहिद का नहीं है ये वो बयानिया है जो हमारी इस वक्त पी डी एम की तमाम क़्यादत जो गुजरावाला से शुरू हुई कराची तक गई बलोचिस्तान तक गई मजार काय तक दी गई तो ये किसका बयानिया है ये अयाज़ सादक एक प्यादा है इसके पीछे जो लोग जो काफरमा हैं वो लोग वो हैं जो इस मुल्क दुश्मनों को खुश कर रहे हैं उनका बयानियाँ लेके चल रहे हैं नासिन कहते हैं कि ताजर एक रीढ़ की हड्डी होती है मैशत के मीशत के अंदर रीढ़ की हड्डी एक और जो आबाद के जो शहरी है, सर आप क्या कहेंगे पहले बात करूंगा कि ये जो बयान इसने दिया है बस सिर्फ इतना आप आप लोग देख लें कि आज इसके बयान के बाद इंडिया खुश हुआ है या गमगीन हुआ है हमारा दुश्मन इस बयानी के बाद क्या कर रहा है उनकी मीडिया इस बयान के बाद क्या कर रही है हमारी मीडिया को वो किस तरीके से टारगेट बना रही है वो क्या कह रहे हैं कि इनके जो बड़े अहदे पे अहदेदार है वो क्या कह रहे हैं तो वो जो कहते थे वो कहते हैं कि जो हम कहते थे वो आज साबित हो गया है इनकी पार्टी के लोगों ने ये साबित कर दिया है तो ये क्या है बयानिया यही वो जो पाकिस्तान की तरफ से हम कहते हैं कि जो मोदी का यार है वो गरदार है तो तो इन्होंने आज वो मोहर लगा दी है इन्होंने साबित कर दिया है कि इंडिया के मीडिया और इंडिया वालों को खुश करके और हमारे दिल परेशान है हम गमगीन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बयान इसने दिया है क्या ऐसा हकीकत में है क्या मीडिया ये समझता है कि ऐसी ये हकीकत है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे झूठ है तो मैं समझता हूँ कि आसादे आपने बहुत बड़ी गलती की है आप पाकिस्तान का खाते हो और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान ने आपको इज़्ज़त दी है पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान ने आपको मेंबर कौमी असम्बली बनाया है और आप किस तरह के बयान देना शुरू कर दिए हैं आप कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत सारे राज हैं आज हर पाकिस्तानी के दिल में बहुत सारे राज हैं क्या वो तुम्हारी तरह अपने राज उगलना शुरू कर दे वो बकवास करना शुरू कर दे हर बंदा किसके पास राज नहीं है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो हर बंदे के दिल में बहुत सारे राज हैं हमारे लोग जबानें कटवा लेते हैं पाँव कटवा लेते हैं लेकिन अपने राज नहीं उगलते और तुमने क्या किया है तुमने जो बहुत बड़ी गलती की और फिर बेशर्मी की हट धर्मी की हुई है कि क्या तुम कहते हो कि मैंने कुछ इस तरह का बयान दिया ही नहीं है और ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है मेरे आपका बयान पूरी कौम ये जानती है कि आपका बयान क्या कह रहा है तो तुमने हद कर दी है अब अपनी खैर मनाओ अब तुम्हारे हल्के के लोग तुमसे पूछेंगे जिन्होंने तुम्हें वोट दिया वो तुमसे पूछ रहे हैं पूरी कौम आपसे पूछ रही है कि बताओ ये तुमने क्या किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे के हमारा छोटा मुल्क सही लेकिन गैरतमंद है हम लोग पाकिस्तान का मतलब क्या ला ला ला, ला।, ला।, ला। मोहम्मद और रसोल्ला तुमने इससे गर्दारी की है अगले जहान भी तुमसे पूछा जाएगा और इस जहान भी तुमसे पूछा जाएगा तुमने इंतहा की गलती किया नाजरन इस मुल्क पाकिस्तान की कौम जो है ये कह रही है कि इन गद्दारों को जूते मार कर वतन बदल कर दिए जाए इनका यही मुतालबा है और दुआ करता हूँ कि हुकुमर वक्त इस पर जरूर एक्शन ले अभी मैं बतलाता हूँ अगर दहशत गर्दी हो कराची में तो आर्मी को बुलाओ बारिश की पानी आए बारिश का आर्मी को बुलाओ जल्दलाए आर्मी को बुलाओ मुला जलूस कडन आर्मी को बुलाओ इमरान खान जुलूस कडे आर्मी को बुलाओ छोटू गैंग का बदमाश पकड़ना हो तो शबाज शरीफ के पास ताकत नहीं है छोटू गैंग के लिए भी आर्मी को बुलाओ ये किस लिए आते हैं मुझे शबाजश शरीफ से पूछने दें किस लिए आते हैं सर वो तो, तो गैरत मानते तो है उन्होंने तो गैरत गैरत है पहला कल मैं गैरत का पड़ा हुआ है इस वाले से ताला कौम के ऊपर रहम करे कौम को जाग जाना चाहिए आर्मी के खिलाफ जो बोले उनकी जुबान काट लो मेरा ये पैगाम है कौम को ये अभी कौम को लड़ाना चाहते हैं आर्मी के ख़िलाफ़ आर्मी के ख़िलाफ़ ये भड़का रहे हैं कौम को अपने मफादे के लिए अपनी करप्शन बचाने के बचाने के लिए अभी इमरान ख़ान इनके की जेते थे हाथ रखे और हाथ रखने से ये अपने आखिरी सांस जो हैं वो